अनुभव वर्षा मामलें आज दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में शुणी हो अनुभव दायर कर छाड़पत्र मामला आज पटियाला हाउस कोर्ट में शुणा वर्षा अनुभव दाम्पत्य जीवन में उठी छड़े आरंभ होर्टर लड़े अनेपटे आसंता बार कटक एसडीजेएम कोर्ट और 14 तारीख में फैमिली कोर्ट में वर्षा दुईट मामलार शुणा होपर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में अनुभव दायर कर छाड़पत्र मामला को कटक फैमिली कोर्ट को स्थानातरित करने सुप्रीम कोर्ट जिबे बोली वर्षा कहिथिले एवं तांको वकील मध्य एने स्पष्टीकरण देइछन्ते हेले अनुभव को वकील कहिथिले जे वर्षा जणे प्रतिष्ठित अभिनेत्री ओ से दिल्ली जिबा आसीबा करबा को सक्षम अनुभव को वकील अछन्ती अश्विनी दुबे से तो एने आम संपर्क सहित आलोचना करबा पई दुबे जी आपको स्वागत करते हैं या न्यूज 18 में दुबे जी जिस हिसाब से आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है अनुभव और वर्षा के जो जिसको लेके अभी पूरा उड़ीसा में बोल सकते हैं हलचल मचाया है तो आप किस तरह से प्रिपेयर किए हैं और किस हिसाब से आप कोर्ट में पेश करेंगे मैं तो अनुभव मोहंती जी का लॉयर हूँ और अनुभव मोहंती जी की जो हैरेसमेंट और क्रुएल्टी और वो जो मेंटल ट्रॉमा से इतने वर्षों से गुजर रहे थे मैं ऑनरेबल कोर्ट को यही बात बताऊंगा कि इतने वर्षों से 7 वर्षों से शादी के बाद भी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई और इतने ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी फैमिली वैल्यूज के लिए पूरी कोशिश की और अनुभव इज अ ग्रेट मैन हिज फैमिली इज दे ऑल आर ग्रेट पीपल और उन्होंने इतना सब झेलने के बाद भी अपने घर में वर्षा बहन को रखा हुआ है ये सबसे बड़ा एडवांटेज वो देखिए आप और मिसयूज देखिए इस तरीके से किस तरह से लॉज का होता है वो वर्षा बहन के अलावा कोई बेहतर तरीके से नहीं बता पाएगा कि अपने जो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन है उसमें कुछ और बात लिख रही है उसमें कह रही हम साथ में रहना चाहते हैं इधर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है उसमें कह रही नहीं हमें 15 करोड़ रुपए चाहिए और हमें बाहर रहने के लिए 20,000 रुपए रेंटल चाहिए 50,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए चाहिए और 15 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे मारते हैं पीटते हैं तो बड़ा विरोधाभास है इन बातों में मैं तो इतना कहूंगा कि अनुभव मोहंती जी ने जो 7 वर्षों से सहा है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो और उसका सहने के बाद भी जिस तरह से महिलाओं का सम्मान करना महिलाओं को रिस्पेक्ट देना सबको रिस्पेक्ट देना और वर्षा जी को एक बार भी उन्होंने इतने वालों में नहीं किया हमेशा कोशिश किया कि वो पैचअप करें परंतु आज भी वो ऑप्शन ओपन है अगर वर्षा बहन आए चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट से इसका डाइवोर्स करवा सकते हैं और नहीं तो हमने पिटीशन डाला हुआ है विल टेल द कोर्ट विल इन्फॉर्म द कोर्ट ऑल दी थिंग दुबे जी जिस हिसाब से पूरे उड़ीसा में बोल सकते हैं हर कोई चाहता है कि दोनों मिल जाए और दोनों के परिवार फिर से जुड़ जाए इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ बोल रहे हैं अनुभव जी देखिए अनुभव जी ने तो बहुत कोशिश किया 7 वर्षों से कोशिश किया पहले और 7 वर्षों से पहले जब इनके बीच में प्रेम था प्यार था तो अगर कुल देखा जाए तो 12-13 वर्षों से सब एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब मैरिज ही कंज्यूमेट नहीं होगी जब फैमिली रिलेशन ही नहीं बनेंगे वैल्यूज ही नहीं होंगी तो उस रिलेशनशिप को आगे ढोने का फायदा क्या है 7 वर्षों में जो नहीं हो पाया 7 वर्षों में मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई तो आज 7 में एक छत के नीचे रहने से कोई पति पत्नी नहीं होता है पति पत्नी के दायित्वों का निर्वाह भी करना पड़ता है लेकिन दुबे जी अगर वर्षा जी का क्या कहना आप सुनेंगे वो जो ट्वीट किए हैं पूरा सब सोशल मीडिया में उसको लेके क्या बोलेंगे क्योंकि दुबे जी वर्षा जी कहीं ना कहीं ये चीज को मान नहीं रहे देखिए क्या है कि अब मानना न मानना वर्षा बहन के ऊपर है मैं उसमें क्या बोलूंगा लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 7 वर्षों में वर्षा बहन ने वो जो पत्नी का दायित्व होना चाहिए वो नहीं निभाया तो ये अनफॉर्चुनेट ही कहूंगा बाकी अब अदालत के सामने अदालत इसमें डिसाइड करेगी हमारा काम तो प्लीट करना है एज अ लॉयर आई हैव टू अपीयर फॉर द मिस्टर अनुभव मोहंती एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम आई हैव टू से इन्फॉर्म टू द कोर्ट रिगार्डिंग हिज मैटर दुबे जी अगर अदालत की बात किया जाए महिलाओं का कहीं ना कहीं सम्मान ज्यादा है और महिलाओं को ज्यादा पक्ष रखने को मिलता है चांस मिलता है उस हिसाब से आपकी क्या तैयारी है मैं भी महिलाओं का सम्मान करता हूँ वर्षा बहन का भी मैं सम्मान कर रहा हूँ आपका भी सम्मान कर रहा हूँ आपकी महिलाएं मैं देश की समस्त महिलाओं का दुनिया की महिलाओं का सम्मान करता हूँ लेकिन एटलीस्ट कहीं पुरुष को भी तो थोड़ा इसको होना चाहिए कि अपनी बातें वो कह सके सबका सम्मान है हम सब सम्मान करते हैं हम महिलाओं के बिना तो जीवन अधूरा है वो हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे अभिन्न अंग है हम सब रिस्पेक्ट करते हैं और आगे भी रिस्पेक्ट करते रहेंगे लेकिन ये एक महिला और पुरुष की बात नहीं है यहाँ एक रिलेशनशिप जो कितनी वर्षों से नहीं बन पाया नहीं चल पाया उसके विच्छेद की बात है और वर्षा जी का आज भी सम्मान है अनुभव जी भी वर्षा जी का सम्मान करते हैं अनुभव की फैमिली भी वर्षा जी का सम्मान करती है हम सब सम्मान करते हैं
अगर सम्मान नहीं करते तो उसी घर में रहती क्या? आप ये भी समझिए, खाना पीना सब कुछ, लुकआउट करना, लुक आफ्टर करना, सब कुछ तो उस घर में चल रहा है, सब कुछ सब देख रहे हैं उसको, सारे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सभी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिग्निटी के साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कि फेक नरेटिव में केस रजिस्टर करवा दिया, कंप्लेंट कर दिया कि लोगों ने अंदर कमरे में घुसा, जबकि वो खाना देने वाला है, बाद में वीडियो रिलीज हो गया, वो खाना देने वाला आया, उसके बाद भी इतनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रखा, तो ये साबित करता है हम सब सम्मान करते हैं महिलाओं का। वर्षा बहन एक समाज की बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, समाज में लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनको अपना जो है इंस्पिरेशन मानते हैं जी। कहीं ना कहीं दुबे जी, ये सब चीजों को देखते हुए हम आशा करते हैं सच सामने आए, जो भी कोई सच बोल रहा है वो सब चीजें सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के आपके जानकारी के लिए, और आपको आशा करते हैं आप आज कोर्ट के सुनवाई में अपना पक्ष रखिए, अनुभव जी का पक्ष रखिए। अपन सुनुले अश्विनी दुबे अनुभव को वकिल अधिक सूचना देउथिले, आज कोर्ट रे पटियाला दिल्ली रो पटियाला हाउस कोर्ट रे सुनानी हेबो अनुभव दायर करथिबा छाडपत्र मामला रे, एवं जेबुली भाबरे वर्षा अनुभव को दांपत्य जीवन रे जो झड़ उठिथिला पारिवारिक झड़, ताहा वर्तमान समाज रे चारि आडे एवं कहि परबा अदालत को जाय सारिछि, एवं पूरा राज्य रे याहाकु ने मध्य चर्चा जोर धरिथिला किछि दिन तळे, जेतेबेले ए छाडपत्र मामला रो कथा बाहर को आसीथिला। अन्यपटे वर्षा 12 तारीख रे कटक एसडीजेएम कोर्ट एवं 14 तारीख रे फैमिली कोर्ट रे तांकर दुईटी मामलार मध्य सुनानी हेबो। नवेश महांति कटक रहछन्ति, अधिक सूचना देबा पे हम सहित आलोचना करबा पे। नवेश, आमे अनुभव को वकील को सहित कथा उतुलु, कोटना कोठी आजिर पटियाला हाउस कोर्ट रे जो सुनानी हेबो सेति पई से प्रस्तुत अछन्ति, वर्षा को वकील को कोन कहबा कथा? देखंतु उभय पक्ष जदि कहबा, अनुभव को वकील अश्विनी देबे एवं वर्षा वकिल कृष्णा, उभय निज निजर जुक्ति उपस्थापन करिवे, कारण ये बिवाद रही आईनगत लड़ाई आर आज आरंभ हो, विशेषकर अनुभव कथा आज बेसी उठिबो, कारण अनुभव निज तरफ छाड़पत्र आवेदन करी, जहा जहा अनुभव निजर पिटिशन रे दर्शाई थिले पत्नी वर्षा विरुद्ध रे, ताहा विरुद्ध रे अनुभव निहाते ताकु प्रमाणित करिवे, एवं प्रमाणित करिया पई ताकर वकील अश्विनी दुबे उद्यम करिवे। अपरपक्षे अश्विनी दुबे को काउंटर करिवा लागि, अर्थात अनुभव को काउंटर करिवा लागि कृष्णा जे कि वर्षा वकील अछन्ति, से मध्ये निज पक्ष रखिवे। आज कोर्ट रे उभय पक्ष निज निज पक्ष रखिया परे कोर्ट आज विशेष किछि हुए त कोर्ट रे न होई परे, कारण आमे जा आईनगत विधि व्यवस्था संपर्क रे हाईकोर्ट रो आईन जीवी जो अच्छा आईन विशारद से सहित आलोचना करूँ, से स्पष्ट करोर्ट आज प्रथम हियरिंग रे उभय पक्ष को शुणे और नेक्स्ट हियरिंग डेट धार्य करती, किंतु प्रथम दिन कोर्ट जदि गुरुत्व बुझिकी घटनार तेज नोटिस करती, कितु ये नोटिस को अपोज निहाती भावे वर्षा वकिल पक्षर कृष्णा पक्षर, कारण जेहेतु वर्षा सुप्रीम कोर्ट रे गोटे पिटिशन दाखल कर सारी, जेहेतु से कटक रोचर दुईटी जाक मामला कटक रे ही विचाराधीन अच्छी, स्वामी घरे से रोचार, तेणु पटियाला हाउस कोर्ट रे जो छाड़ा पत्र मामलाटी रही सी कटक स्थानांतरित हो, तेणु सुप्रीम कोर्ट को यो सुप्रीम कोर्ट को जाइंट वर्षा एक वर्षा वकिल कृष्णा से पटियाला हाउस कोर्ट सामने उपस्थापित करेंगे, तेणु सबकि निर्भर करुच्ची आज पटियाला हाउस कोर्ट सामने उपस्थापित होगा बा जो तथ्य प्रमाण उपरे कोर्ट का निष्पत्ति निहाति भावे गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर, किंतु गोटे कथा स्पष्ट आम कहीपर स्वाति लंबा समय धरी ये आईनगत लड़े चलो, कारण छाड़पत्र मामला आम जहाँ देखु जहाँ नजर रही वर्ष वर्ष धीरे मामला चली थाए, तेणु आशा कर आज हुए तो अपराह मध्य जेहेतु लिस्टिंग हो सारी अपराह मध्य मामलाटर शुणी आरंभ हो, यादि आम कह अक्टोबर 12 तारीख दिन कटक एसडीजेएम कोर्ट में वर्षा जो दायर करते मामला से मामला शुणी हेबो, एवं फैमिली कोर्ट में 14 तारीख दिन शुणी अच्छी, तेणु ता पूर्व सुप्रीम कोर्ट कर जदि वर्षा सुप्रीम कोर्ट का किसी निर्देश आने सफल होती तेज पटेल हाउस कोर्टर से छाड़पत्र मामलाटी कटक एकत्र शुणी हे कह कटक तार शुणी हो पार। नवेश जी, आपण कहते कि लंबा समय धरी चलो आईनगत लड़ई, कि गोटे कथा है दुई चर्चित चेहरा, जड़े सांसद जड़े अभिनेत्री, एवं भितरी कथा घरर भितरी कथा परिवार कथा वर्तमान पदा को आसी सारी, ए भितर उभय प्रतिक्रिया कौन आसी?
जिभली भाव में कटकु आम प्रतिनिधि नवेश सूचना देते आज जेहेतु पटियाला हाउसकोर्ट में शुणी अच्छी अनुभव तरफ दायर होता छाड़पत्र आवेदन आज पटियाला हाइकोर्ट में शुणा होने वर्षा वकिल प्रस्तुत अच्छा अंपटे अनुभव वकिल आज प्रतिक्रिया देते कि समय तेज आम सहित जो भाव में सत सामना को आसपाई समस्ते चाहते कारण दुईज हो राज्यर प्रमुख चेहरा और चर्चित चेहरा अनुभव जिकि पूर्व अभिनेता थे और बर्तमान सांसद अंपटे वर्षा जिकि चर्चित अभिनेत्री निश्चित दाम्पत्य जीवन भित्तरी कथ बर्तमान बाहर को आसी सारी जेहेतु आईनगत लड़ईरे परिणत हो सारी बर्तमान समस्त नजर रही खबर पर।